हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है एमआई फोन्स में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तो उन सभी प्रॉब्लम्स का एक सलूशन है। जब भी आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आती है, लाइक आपके लाउड स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रही, आपके फ़ोन की आवाज़ स्लो हो गई है, तो बेसिकली वो एक सॉफ्टवेयर ग्लिच होता है। तो आपने जब भी उसको चेक कराया तो दुकान वाले बोलते हैं आपको सॉफ्टवेयर कराना पड़ेगा, जिस कॉस्ट अराउंड 300 से 400 रुपये होती है। तो मैं आज आपको एक टेक्निक बताऊंगा, आपने करना क्या है, ये जो स्टेप्स मेरी वीडियो में बताए हैं इनको सीक्वेंस में फॉलो करिए और आपको बाहर से सॉफ्टवेयर कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने अबाउट फोन में जाना है। जैसे ही आप अबाउट फोन में जाएंगे तो उसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगी सिस्टम अपडेट, वहाँ भी क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने चेक करना है चेक फॉर अपडेट्स, अगर आपका फोन लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो वैलेंट बूट है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपने करना क्या है, ये तीन डॉट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने करना क्या है, डाउनलोड लेटेस्ट पैकेजेस को क्लिक कर देना है। इसके बाद होगा क्या, बेसिकली जो आपका एमआई फोन है, आपके फोन के अकॉर्डिंगली एमआई की ऑफिशियल साइट से लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देगा। इसके लिए आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा, ये एक सिंपली अपडेट प्रोसेस होगा। तो उसके बाद जैसे ही आपका लेटेस्ट पैकेज डाउनलोड हो जाएगा, ये इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद आपका फोन रीस्टार्ट हो जाएगा, कंप्लीटली एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने करना क्या है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने स्टोरेज में जाना है और कैश्ड डेटा को क्लियर कर देना। इसको क्लियर करने के बाद आपने फोन को रीस्टार्ट कर लेना। रीस्टार्ट करने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम को चेक कीजिए, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।